हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं। आज हम राइस प्लांट जो होता है उसके बारे में उसके जो पैकेज या प्रैक्टिस होता है वो देखेंगे, और उसके अंदर से पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट MCQ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पर हम नज़र डालेंगे। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि राइस जो है एक वाटर लविंग प्लांट कहा जाता है, और राइस जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड और शॉर्ट डे प्लांट होता है। तो दोस्तों, राइस जो होता है जिसका साइंटिफिक नेम हम राइस का बोलते हैं ओरिजा सटाइवा, ठीक है। और उसकी जो फैमिली होती है वो ग्रामिनी फैमिली से बिलोंग करता है। और राइस की सोइंग की बात किया जाए तो सोइंग टाइम जो उसका मार्च से अप्रैल, जो ऑटम राइस होता है उसका सोइंग टाइम है मार्च और अप्रैल से। उसके बाद उसका टेम्परेचर की भी बात किया जाए तो टेम्परेचर जो होता है वो राइस रिक्वायरमेंट के लिए 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, जिसके अंदर जो क्लाइमेट होता है वो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट ज़रूरी है। उसके बाद हम राइस की जो इन्फ्लोरेंस हो जाता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है लीव्स का, उसको राइस इन्फ्लोरेंस को हम पेनिकल कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। पेनिकल जो है मोस्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो राइस इन्फ्लुएंस होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो राइस इन्फ्लुएंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है लीव्स का, दैट इज़ नोन एज द पेनिकल। उसके बाद जो राइस का जो स्टेम होता है तो उसको स्टेम को हल कहा जाता है। ये भी MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद SRI जो होता है दोस्तों वो सिस्टम और राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, जिन्होंने FR हेनरी डे लोली ने अंडर ड्रोट कंडीशन मध्य सागर इन 1983 के अंदर SRI सिस्टम दिया था। SRI सिस्टम का मेन काम क्या करता है, तो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है। SRI सिस्टम जो होता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, तो किस तरह से, तो उसके मैनेजमेंट को चेंज करते हैं, उसके बाय चेंजिंग मैनेजमेंट प्लांट सोइल वाटर एंड न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो उसको मैनेजमेंट करने पर हमें यील्ड के अंदर प्रोडक्टिविटी देखने को इंक्रीज देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो कितना इसका इंक्रीज होता है, तो यील्ड इंक्रीज जो होता है SRI के अंदर 50-90% यील्ड इंक्रीज होता हुआ हमें दिखाई देता है। हाईएस्ट राइस प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसिंग स्टेट की बात किया जाए इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया के अंदर वो वेस्ट बंगाल जो है हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। उसके बाद फर्स्ट जो वैरायटी डेवलप हुआ है, फर्स्ट डेवलप राइस वैरायटी जो TN1 वैरायटी जो है राइस का जो डेवलप हुआ है। उसके बाद मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर, ठीक है, राइस के अंदर क्रिटिकल स्टेज जो होता है वाटर का होता है उसको बोलते हैं बूटिंग स्टेज माना जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बेस्ट बायो फर्टिलाइजर जो होता है राइस के अंदर वो एजोला माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन यहाँ पर यहाँ से बनता है, और ये पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर बूटिंग स्टेज किसके अंदर पाया जाता है, तो बूटिंग स्टेज जो होता है वो इरिगे जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है वाटर का राइस के अंदर। उसी तरह बेस्ट बायो फर्टिलाइजर जो होता है राइस के अंदर वो एजोला होता है। उसके बाद कैरियोप्सिस जो पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि फ्रूट का जो राइस होता है, राइस जो ग्रेन डेवलप होते हैं जो फ्रूट होता है उसको बोलते हैं कैरियोप्सिस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वाइडली यूज नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, ठीक है, राइस के अंदर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर तो इस्तेमाल होता है वो होता है एमोनियम सल्फेट का, राइस के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके बाद वाइट आई ऑफ राइस डिफेंसेसी होता है वो एफी डिफेंसेसी की वजह से वाइट ऑफ आई ऑफ राइस होता है, ठीक है। उसके बाद डिजीज आता है किलर डिजीज राइस के अंदर, जिसको टंगर वायरस की वजह से किलर डिजीज होता है। दूसरा हम दोस्तों हम जानते हैं कि राइस जो होता है उसके अंदर गैस जो इमिटेड होता है राइस फील्ड के अंदर वो जो गैस होता है जिसको हम मीथेन बोलते हैं, ठीक है। राइस के अंदर से जो गैस इमिटेड होता है राइस फील्ड के अंदर से वो मीथेन होता है। और हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉसेस इन राइस फील्ड, ठीक है, नाइट्रोजन लॉस होता है राइस फील्ड के अंदर क्यों होता है, तो वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन की वजह से नाइट्रोजन लॉस होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद राइस के अंदर एक पैराबॉइलिंग आता है, प्रोसेस आता है। तो पैराबॉइलिंग प्रोसेस क्या होता है, तो हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट ऑफ राइस ग्रेन बिफोर मिलिंग, ठीक है, तो उसको पैराबॉइलिंग प्रोसेस बोलते हैं। और पैराबॉइलिंग प्रोसेस से क्या होता है, तो कंजर्व विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 कंजर्वेशन होता है। उसके बाद
हमने कई बार देखा है कि ड्वार्फनेस होता है राइस के अंदर के, तो ड्वार्फनेस किसकी वजह से होता है? तो ड्वार्फनेस जो होता है राइस के अंदर वो DGU जीन की वजह से वो ड्वार्फनेस राइस के अंदर देखने को मिलता है। उसी तरह खैरा डिजीज ऑफ राइस, ठीक है, खैरा डिजीज जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ पूछा गया हर एग्जाम के अंदर, तो किसकी वजह से होता है खैरा डिजीज राइस? तो जिंक डिफिशियंसी के अंदर होता है खैरा डिजीज, ठीक है। और बाउल ऑफ राइस जो होता है वो छत्तीसगढ़ जो स्टेट है उसको बोला जाता है। और दूसरा IR8 जो राइस का वेराइटी है IR8 वो इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया के अंदर, कहाँ से? तो इंट्रोड्यूस हुआ तो फिलीपींस से इंट्रोड्यूस हुआ, और वो 1966 के अंदर, ठीक है। मेन प्रोटीन जो होता है राइस के अंदर जिसको बोलते हैं ओराइजोनिन जो मेन प्रोटीन होता है राइस के अंदर, ठीक है। और राइस के अंदर हम जानते हैं दोस्तों, अगर सीड रेट की बात की तो राइस के अंदर 60 kg प्रति हेक्टर सीड चाहिए जो ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इस्तेमाल होता है, ठीक है। और दोस्तों क्रिटिकल स्टेजेज हमने आगे देखा है कि राइस के अंदर जो वाटर स्टेज होता है, क्रिटिकल स्टेज होता है राइस के अंदर, दो स्टेज आता है, ठीक है दोस्तों, होता है पहला होता है बूटिंग स्टेज और उसके बाद आता है टेररिंग स्टेज। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन राइस के बारे में, और कुछ अंदर से MCQ हमने देखा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्रोप के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और शेयर किए, ताकि हम जो भी नए वीडियो बनाए वो आप लोगों तक मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।